सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोन के कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर में आप अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हो। क्योंकि गाइस जो हमें कंपनी के थ्रू कंट्रोल सेंटर मिलता है, कुछ इस तरह का मिलता है जिसको हम यूज करते करते बोर हो जाते हैं और हमें कुछ नया चाहिए होता है, ठीक है। अब गाइस आप अपने कंट्रोल सेंटर को कुछ इस तरह चेंज कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज करके आप अपना फोटो बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज करना है, बैकग्राउंड में आपको फोटो को कैसे सेट करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, ठीक है। जिससे गाइस मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं, ठीक है। तो यार कमेंट करके जरूर बताना। अब गाइस आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है वन सेड, OneShade। यहां से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। 1 मिलियन से भी ज्यादा बार ये डाउनलोड किया जा चुका है, आपको इस एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको कस्टमाइज करना है, कैसे आपको इसमें सेटअप करना है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। आपको सिंपली यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कलर्स का, लेकिन गाइस कलर्स को ओपन करने से पहले आपको यहां से इस एप्लीकेशन को ऑन कर देना है, ठीक है। यहां पे ये ऑलरेडी ऑन है। अब इसके बाद कलर्स को ओपन करना है। अब गाइस आपको यहां पे काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा कस्टम बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड टाइप। आपको सिंपली बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक करना है। यहां से दोस्तों आप बैकग्राउंड के टाइप को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड कलर, लाइव ब्लर, इमेज ब्लर, यानी अलग अलग तरीके से आप बैकग्राउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो ट्रांसपेरेंट रहे, तो दोस्तों आप यहां से उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का। आप जब इस तरह यहां पे इसको बढ़ाओगे तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे कस्टम बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो। तो यहां पे हम एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे ये वाला फोटो हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस फोटो को क्रॉप कर लेना है, जितना आप सेट करना चाहते हो आपको अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहां पे रोटेशन वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, आप इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो कस्टमाइज हो चुका है, बैकग्राउंड में फोटो सेट हो चुका है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो जो हमारा कंट्रोल सेंटर है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह दोस्तों आप भी अपने फोन के कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज करके अपना फोटो सेट कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा। आप यहां पे इसका लुक और डिजाइन देख सकते हो, काफी अट्रैक्टिव बनाया गया, ठीक है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, वन साइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप इस तरह इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, अपना फोटो बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।